Sir, this government demonetized 500 rupees, 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीकॉम कैसे बोलते हैं? माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले, 2016 के बाद तो 2019 सर, मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर, नाउ आई कम टू फार्म बिल्स। इन 2020 द सेम मोदी गवर्नमेंट यूनिलैटरली पास्ड 3 कंटेंशियस फार्म बिल्स विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द फार्मर्स और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑपोजिशन पार्टी। प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, किसान बिल पर। सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। सर भाई, उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं, नहीं, पर माने सर, आपने ये सदन का याद दिलाया ना? एक मिनट माने सदस्य। सर, आपने ये सदन का याद दिलाया? एक मिनट माने सदस्य, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल। सर, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर, एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर क्या 700 फार्मर्स डाइड, 700 फार्मर्स डाइड। व्हाट डिड यू डू? यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। इन 2020 सर, दिस कंटेंशियस फार्म बिल्स पास्ड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द ऑपोजिशन पार्टीज और फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। सर, दिस बिल्स स्पार्क मैसिव प्रोटेस्ट्स एज फार्मर्स। सर, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज सर, ये जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे, मैं कह रहा हूँ सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है तो ये चुनौती मत दीजिए, आप अपनी। आई एम गिविंग देम, आई एम चैलेंजिंग देम, आप नो चुनौती मत दीजिए सदन में, एंड डिबेट विद मी। नो चुनौती, ये बाहर चुनौती देना या चुनौती सदन में नहीं। सर, हार्श मेजर्स सच एज बार्ड वायर्स, सीमेंट बोल्डर्स एंड आयरन स्पाइक्स वर डिप्लॉयड ऑन द रोड्स टू ब्लॉक फार्मर्स फ्रॉम एंटरिंग द कैपिटल। दिस रिवील्स the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the Union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, kya? Aap, no. You don't know that demonetization was done in 2016. No. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर, अपना नेता को जाके क्या? अरे अपना नेता को जाके क्या? चर्चा मत करो, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic
destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. Sadashya, T for please. Tragedy. Sadashya, sir, T for tragedy. Maanye Sadashya, aap vartaman budget pe bolein, 2016 ke baad to 2019 nahi. Sir, main... Sir, Jawaharlal Nehru ka baat log bolega. Sir, Jawaharlal Nehru ka baat log bolega. Koi 60 saal pehle, Jawaharlal Nehru ka baat karega. दूसरे नेताओं का बात करेगा तब आप कुछ नहीं बोलेंगे. सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए. बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर. बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ. जब जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे. और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे. वाह वाह सर वाह. बोलिए अपनी बात पे. डी फॉर ट्रेजेडी एंड दिस इज द ट्रेजेडी. द एग्जांपल यू ऑल सेट इन द हाउस, दिस इज व्हाई आई से टी फॉर ट्रेजेडी. व्हेन द कोलकाता फ्लाईओवर कोलैप्स्ड फ्यू इयर्स अगो, मोदी जी जेस्टेड दैट इट वाज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi Bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? Yes. Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Yes. Sir, what happened when Ayodhya Ram Temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Sir, when Mumbai's Atal Setu started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi tunnel was caved in, sir, was it an act of God or act of fraud? When 20 people killed as a girder launcher collapsed in Samruddhi Expressway in Thane, what was it? An act of God and an act of fraud? When 300 lives were lost in Balasore, train incident last year, what was it? Act of God or act of fraud? When 9 were killed and 40 people were injured as goods train rammed with Kanchenjunga Express last month, what was it, sir? An act of God or act of fraud? Sir, the rail minister has blood on his hands. A once reliable mode of transport has been transformed into a death trap. Sir, 244 train accidents between 2017 and 2022. 15 major accidents in 2023 alone. Sir, 50% of compulsory track safety inspections were not even completed. Sir, only 672 crore spent out of the needed 58,459 crore on track renewal. Sir, Rashtriya Rail Sanraksha Koch, which would have received 20,000 crore every year, only received 4,225 crore. Sir, there's a shortfall and a staggering shortfall of 15,775 crore. Sir, Manipur is burning over the last almost 1.5 years. More than 200 killings, 70,000 displacements, 1,000 homes wrecked. Sir, no mention of the word Manipur in the union budget. Sir, another tragedy of this government is weaponization of central agencies. Sir, another tragedy of this government has been the weaponization of central agencies to carry out politically motivated witch hunts against opposition leaders, like many of us, including me. Sir, they didn't stop at me or my wife
my elderly parents, my PA, my advocate, even my 11-year-old daughter and 4-year-old son were not spared. Sir, you tried, sir, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see, by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? Desh mein janta malik hai, koi neta malik nahi hai. The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah, and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.